हेलो दोस्तों, सबको नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो मेरे चैनल नेहा भोजपुरी शॉर्ट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं भी आप लोगों के प्यार दुलार आशीर्वाद से अच्छी हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग तो थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज़ पे बात करने वाली हूँ, आप लोगों को क्या चीज़ मैं बताने वाली हूँ दोस्तों। तो मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों, बहुत खुशी की कोई ठिकाना नहीं है। और आज है सोमवार, सोमवार के व्रत हूँ दोस्तों। और दोस्तों, मैं खुश इसलिए हूँ कि मेरे हस्बैंड जी कमरे में ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती ना कि जिस चीज़ की कमी वो रहने देते हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं रहने देते हैं दोस्तों, सच बताऊँ। ओ जैसे मैं कमरे पर अकेली रहती हूँ तो सोचते हैं कि ये कमरे पर अकेली रहती हैं तो उस हर एक चीज़ का व्यवस्था कर दूँ कि इनको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं हो, बोरिंग सी महसूस ना हो इनको, इसलिए दोस्तों। तो दोस्तों, अभी देखिए होम थिएटर है, बस उसका वो एक बॉक्स नहीं होता है, वो ख़राब हुआ है। तो ख़राब हुआ है तो कह रहे हैं वो भी लगवाऊंगा, मैं मना कर रही हूँ, फिर कह रहे हैं कि नहीं मैं मंगाऊंगा, लाऊंगा वो भी, अभी ऑर्डर कर दूंगा। तो मैं कल ही ऑर्डर करने वाले थे तो फिर मैं मना कर दी, मैं बोली अभी मत करो ऑर्डर, क्योंकि आप लोगों को पता है हम लोग कमरे चेंज किए उसके बाद से सारी चीज़ थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च हो गया, तो इसलिए मैं देख कर। लेकिन उनको ये सब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सोचते हैं कि हर एक चीज़ की कमी मैं पूरा करूँ, कि मैं कैसे ऐसा आराम से रहूँ बस। तो दोस्तों, आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं उस दिन ऑनलाइन मंगाई थी बेडशीट, लगाई हूँ बेडशीट, बताइएगा कैसा लग रहा है, आप लोग जरूर बताइएगा कि बेडशीट कैसा लग रहा है। देखिए तो देखिए दोस्तों, मैं बैक कैमरे से दिखा रही हूँ, मेरा मंदिर लेके आए मेरे हस्बैंड जी, मंदिर बताइए कैसा लग रहा है। और दोस्तों, ये मूर्ति है ना, संगमरमर की मूर्ति है, कभी ख़राब नहीं होएंगी। गए थे दिल्ली से लेके आए, इनके एक फ्रेंड है वो बनाते हैं, तो वहाँ से गए थे, कुछ कोई काम था उनसे तो गए थे, तो लेके आए हैं वहाँ से। देखिए, शंकर जी की, पार्वती जी की, गणपति बाबा की और शेरा वाली माता रानी की, उसे ये ख़राब नहीं होंगी जो मंदिर में मूर्ति रखी जाती है वो। और ये देखिए दोस्तों, ये मेरा लग गया वाईफाई कनेक्शन, हम लोग ले लिए। मैं इनसे कह रही थी मेरा फ़ोन का नेट ख़त्म हो जाता है पूरे दिन ऐसे कह रही थी, तो वाईफाई कनेक्शन करा दिए दोस्तों, कि अब तुम जितना मर्जी उतना नेट चलाते रहो। और उसके बाद से यहाँ देखिए, यहाँ मेरे घर टीवी आ गया, टीवी भी मंगा दी है, टीवी मंगा के लगवा दी है, कि टीवी में भी टाइम अपना पास करती रहूँगी दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा टीवी और मेरा वाईफाई, मेरा मंदिर कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट में, कि आप लोगों को कैसा लगा। और देखिए, मैं पूरे दिन कहानी देखती रहती हूँ, कहानी से वो करूँगी, थोड़ी सी गाना सुन लूँगी ना, तो कहानी पूरे दिन देखती रहती हूँ, बस मुझे अच्छा लगता है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में कैसा लगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर कि मेरा टीवी, मेरा वाईफाई, मेरा मंदिर कैसा, सबसे अच्छा तो बताइएगा मेरा मंदिर कैसा लगा, मेरा मंदिर में रखे हुए मूर्ति कैसी लगी, आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों, पता है टीवी लग रही थी, वाईफाई लग रही थी, तो मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि दोस्तों बहुत वाईफाई लगाने वाले भी आ गए तुरंत ही, और टीवी मेरे हस्बैंड ला दिए लगाने के लिए, तो उसमें टाइम नहीं मिला हमें, तो इसलिए हम वीडियो में और टीवी का अनबॉक्सिंग करते हुए वीडियो में नहीं बनाई दोस्तों। देखिए, वहाँ ऊपर टीवी की वो रखी हुई है, वो जो कवर है वो, आप लोग सुने कि सेकेंड हैंड खरीद का कह रहे हैं कि नहीं, तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ, देखिए ऊपर रखी हुई है टाड पे। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग प्यारा प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरा मेरा टीवी, मेरा मंदिर, मेरा वाईफाई आप लोगों को कैसा लगा जरूर आप लोग प्यारा प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।